पिछले 2 दिन से अखबार की एक खबर सुर्खियों में है। पुलिस थाना परसाद जिला उदयपुर के अंदर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। मामला यह था कि पुलिस थाना परसाद में एक रिपोर्ट दर्ज थी। उस रिपोर्ट पर युवक युवती को लाया गया और अचानक ही जब युवक को बाहर आने को कहा गया तो अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। हवाला खोल कर देखा गया तो व्यक्ति मृत पाया गया। पुलिस का कहना यह है कि मृत व्यक्ति ने जूते के फीते का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सुनने में आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि जूते के फीते का फंदा। आज तक आपने साड़ी का फंदा सुना होगा, रस्सी का फंदा सुना होगा, जूते के फीते का फंदा पहली बार सुनने को मिलेगा। जबकि व्यक्ति को हवालात में भेजने से पहले उसके कपड़े और जूते निकलवाए थे और उसके कपड़े और जूतों का जो फोटो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ, उन जूतों की कंडीशन देखकर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि वह फीते कितने मजबूत होंगे। पुलिस के इस स्टेटमेंट पर पब्लिक का रोष भड़का, मामला संदेहास्पद लगा। आला अधिकारियों का जत्था प्रसाद पुलिस थाने पर पहुंचा और ग्रामीणों द्वारा इस मामले में अपना विरोध प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति यदि पुलिस थाने के अंदर इस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन पर, जिम्मेदारों पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हर बार किसी न किसी पुलिस थाने के नाम पर कोई न कोई ऐसी घटना जरूर सुनने में आती है जो पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करती है। हाल ही में बागेश्वर धाम नव संवत्सर के दिन धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, उस स्टेटमेंट के आधार पर न्यूसेंस फैलाने के संदर्भ में केलवाड़ा पुलिस ने 5 युवाओं को गिरफ्तार किया। जमानत के बाद उन युवाओं ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने जो बयान दिए, उन बयानों में कहा कि पुलिस वालों द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई, ज्यादती की गई, उनको धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इससे पहले चलते हैं तो पानरवा पुलिस थाना के अंतर्गत डैया चौकी का मामला जिसमें एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, यह बात सामने आई। इससे पहले ऋषभदेव पुलिस थाने के अंदर इस प्रकार की बात आई। एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले हैं। एक मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिसकर्मी द्वारा लात मारने की बात सामने आई। तो ऐसी कई पुलिस थाने हैं जहां अक्सर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, जहां लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस द्वारा पुलिस थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया और यहां तक कि रिश्वत मांगी गई, रिश्वत दी गई। इस तरीके के आरोप हमेशा पुलिस विभाग पर लगते आए। लेकिन क्या हर बार ये आरोप लगाने वाले सही है? क्या पुलिस विभाग ही गलत है? आज हम इन्हीं मुद्दों पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। हम पुलिस एक स्टेट इश्यू है जिसका काम है अपने राज्य की आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाकर समाज में शांति कायम रह पाती है। लेकिन जब इस तरीके के आरोप पुलिस पर लगते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के सामने पुलिस का एक दूसरा चेहरा नजर आता है। लेकिन क्या इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक है? क्या इसके लिए जिम्मेदार सरकार है? क्या इसके लिए जिम्मेदार वो पुलिस के लोग हैं? अगर इन बातों की हम चर्चा करें तो हम यहां पर खुले रूप से हम जिम्मेदार मानेंगे अपने सिस्टम को। अपने सिस्टम को इसलिए जिम्मेदार मानेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, मैं प्रत्येक व्यूअर से ये कहूंगा कि यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय
जरूर दें, क्योंकि यह एक जनहित का मुद्दा है, यह आपके अधिकारों का मुद्दा है और पुलिस वालों के लिए भी संरक्षण का मुद्दा है। उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर 360 डिग्री सीसीटीवी, सॉरी 360 डिग्री के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जो नाइट विजन की क्लियरिटी के साथ लगाए जाए, जो पुलिस थाने के हर एक एंगल को कवर करे और उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाए और उनको स्टोर रखा जाए। कितने पुलिस थानों ने इस चीज को कवर किया? मुझे याद आता है हमने सेमारी पुलिस स्टेशन पे एक आरटीआई फाइल की थी, इसके बाद हमने अंबा माता पुलिस थाने के अंदर एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें हमने सीसीटीवी फुटेज बाबत जानकारी मांगी थी। सेमारी पुलिस स्टेशन ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे यहां सीसीटीवी फुटेज लगे हुए नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है। अंबा माता पुलिस थाना ने हमें जवाब दिया था कि हमारे यहां सीसीटीवी लगाने का कार्य प्रगति पर है। कुछ दिन बाद हम गए तो देखा कि अंबा माता में सीसीटीवी लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पुलिस थाने के लिए आरटीआई लगेगा तभी वहां के कैमरे चालू होंगे? एक्चुअली कैमरे लगे थे, जहां तक मेरी जानकारी है जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान दिनेश जी एमएन थे उस समय, प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया या उनको बंद कर दिया गया, बंद किए जाने के पीछे की वजह क्या है यह तो पुलिस विभाग ही जाने कि आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जब आज की तारीख में एक पान के ठेले पर, एक बुक स्टोर पर, एक छोटी से छोटी किराना दुकान पर, और यहां तक कहूं कि लोगों ने अपनी घर की सुरक्षा के लिए चाहे वह 200-500 स्क्वायर फीट का मकान क्यों ना हो, उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज लगा रखे हैं, तो न्याय का वह स्थान जहां एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जहां शरीफ लोग भी आते हैं, हिस्ट्री शीटर भी आते हैं, बड़े से बड़े राजनेता भी आते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी भी आते हैं, तो रम खान भी आते हैं, तो शरीफ जादे भी आते हैं, तो उस जगह पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। अगर जब कभी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे आरोप लगाता है कि उसके खिलाफ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, जाति हुई, या फिर ये प्रसाद पुलिस थाने का मैटर ही क्यों न ले ले, जहां व्यक्ति ने पुलिस के कहे अनुसार जूतों के फीते से आत्महत्या कर ली। जब पुलिस पर कोई आरोप लगता है तो पुलिस को अपना मुंह खोलना ही नहीं है, सीधे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड पेश कर देना है, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बुरी गत यदि किसी की है, सबसे ज्यादा परेशानी है, तो वह पुलिस विभाग की है। पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी पर कभी भी किसी भी प्रकार का आरोप लग जाता है और तलवार की धार पर होती है नौकरी, जहां उनका सीनियर उन्हें डायरेक्ट ही सस्पेंड कर सकता है। अब इस मामले में भी एएसआई को और संतरी को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी गलती थी या नहीं थी इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है, लेकिन बात यह आ जाती है कि अगर पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे होते तो न ऋषभ देव की घटना सामने आती, न बागेश्वर धाम के संदर्भ में केलवाड़ा के युवकों की घटनाएं सामने आती, न पानरवा चौकी के डैया थाने का मामला आता। कई प्रकार के ऐसे पुलिस स्टेशन जहां पर आरोप लगे हैं पुलिस अधिकारियों पर, चाहे वह सच हो या चाहे वह झूठ हो, उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन यह बात सोचने की है जब पान के ठेले पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं तो पुलिस थानों के अंदर क्यों नहीं? सवाल खड़े होते हैं, क्या पुलिस अधिकारी नहीं चाहते हैं कि उनके पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, या वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहते हैं, या सरकार नहीं चाहती है? सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आता है। आज की तारीख में कहीं भी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है,
बड़ी से बड़ी चोरियां, बड़े से बड़े अपराध को पकड़ने के लिए पुलिस सबसे पहले उस एरिया में तलाश करती है कि यहां सीसीटीवी कैमरे कहां लग रहे हैं। अब जहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, पुलिस जाकर उनका रिकॉर्ड लेती है और उस रिकॉर्ड के आधार पर बड़े से बड़े मुलजिमों को, बड़े से बड़े अपराधी को गिरफ्तार करती है। और जिस सीसीटीवी फुटेजों के दम पे पुलिस बड़े से बड़े अपराधों का निराकरण करती है, अपने चार्जशीट फाइल करती है, अपराधियों को अरेस्ट करती है, वही उन्हीं पुलिस थानों के अंदर जहां हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार करके रखा जाता है, जहां अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, जहां पीड़ित लोग आकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, वहां पर सीसीटीवी का मौजूद न होना पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों नहीं। अगर मैं कहूं कि हो बात फंड की नहीं है, क्या हमारे यहां जब भी किसी भी थाने में नया थानेदार नियुक्त होगा, जिले में जब नया एसपी नियुक्त होगा, संभाग लेवल जब पर आईजी साहब नियुक्त होंगे, तो वो नवाचार की बाढ़ लाते हैं, अपने अपने प्रयोग और तरीके आजमाते हैं और अपने प्रयोग आजमाते हैं कि राज्य में किस तरीके से, अपने क्षेत्र में किस तरीके से क्राइम को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन क्या आवश्यक नहीं है कि कोई एक अधिकारी संज्ञान ले और अपने एरिया में, अपने प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी अनिवार्य कर दे और नियम कर दे कि अगर सीसीटीवी बंद हुए तो तुम्हारे ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी। परमानेंट सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए और उसके रिकॉर्ड को चेक करने के लिए अधिकारी अपॉइंट हो जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, न एसपी साहब करेंगे, न आईजी साहब करेंगे, न थानेदार साहब करेंगे। और कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, प्रत्येक थाने का थानेदार चाहे तो इसको खुद अपने स्तर पर भी मैनेज कर सकता है, लेकिन साहब करना कोई नहीं चाहता है। ऐसा क्यों? और ये कैमरा लगना कहीं ना कहीं पुलिस वालों की बेहतरी ही है, उनके ऊपर लगने वाले आरोपों का बचाव ही है कि उनकी वर्दी पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगे, वरना इस तरह की घटना होती रहेगी, जनता में अविश्वास बढ़ता रहेगा। पुलिस यदि सही भी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती रहेगी, वह सस्पेंड होते रहेंगे और उनके खिलाफ विभागीय जांच चलती रहेगी। मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे इस वीडियो के समर्थन में है कि प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे? क्या लगने चाहिए? लगने चाहिए तो क्यों लगने चाहिए? क्या इतना बड़ा बजट है कि कोई थानाधिकारी खुद के बजट पर उनको मेंटेन नहीं कर पाए? शायद बहुत ही आसान शब्दों में कहा जा सकता है क्यों नहीं। तो साथियों, जनहित के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति भयमुक्त होकर पुलिस स्टेशन जाए, अपनी बात रख सके, अधिकार के साथ अपनी बात को कर सके, क्योंकि जन सेवक है वो, पब्लिक सर्वेंट है, उनकी ड्यूटी है आम विश्व आदमी के अधिकार को सुनना, उसको राहत प्रदान करना, यहां ये नहीं कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, चाहे वो आरोपी ही क्यों नहीं हो। यदि आप हमारे समर्थन में हैं तो क्या कहना है कमेंट जरूर करें और जनहित में इस वीडियो को प्रत्येक पुलिस अधिकारी को भेजें, क्योंकि यह वीडियो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, यह आम जनता और पुलिस विभाग के भले के लिए, उनके हित के लिए ही है, ताकि जनता और पुलिस के बीच में जो बीच का सेतु है, बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म होती जाए और कोई व्यक्ति गलत तरीके से पुलिस पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा पाए। यह बात है मुद्दे की। और आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय तभी व्याप्त हो पाएगा जब आम जन में पुलिस के प्रति आस्था बढ़ेगी, इस प्रकार की घटनाएं सुनने को नहीं मिलेगी।